कैनेडा दे विच इस वेले हालात बेहद नाजुक बने हुए ने। लोग अपने घरां दे विच बंद ने अते घरां तों बाहर ना जाण दीआं चेतावनियां जारी हो चुकियां ने। तुसी साडी स्क्रीन ते तस्वीरां देख रहे हो, इस वेले दीआं कैनेडा दीआं तस्वीरां ने। खास करके ब्रिटिश कोलंबिया अते ओंटेरियो वर्गे एरियाज़ दे विच इस वेले बर्फीला तूफान चल रहा है। इस वेले स्नो स्टॉर्म वाले हालात ने। बर्फबारी इन्नी कु ज़्यादा तेज़ है कि गड्डियां इत्थों तक कि पूरे घर बर्फ की चादर के थले दब चुके ने। बर्फीले तूफान की मार दे हेठ आए हुए अमेरिका और कैनेडा के कई इलाकों के विच जिंदगी पूरी तरह ठप हो चुकी है। इस वेले हज़ारा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी ने, जबकि सड़की आवाजाई तो कीड़ी की रफ्तार के नाल अगे वधदी नज़र आ रही है। फ्लाइट अवेयर के आंकड़ों के मुताबक अमेरिका दे विच वीरवार को तकरीबन 2500 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी सी। शुक्रवार को रवाना होने वाली 2000 तो वध फ्लाइट्स रद्द होने बारे पहला ही ऐलान कर दिता गया सी। कैनेडा वाले पासे तो वैस्टजैट के वलों पीअरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो रवाना होने वाली सारिया फ्लाइट्स रद्द करने का ऐलान कर दिता गया। इस वेले जिहड़े विद्यार्थी जिहड़े पंजाबी कैनेडा तो पंजाब आने का सुपना देख रहे थे, जिहड़े अपनी छुट्टियां पंजाब की धरती से कटना चाहते सन, उन्हां लई ये खबर बेहद दुखदाई है। अपनिया हसीन छुट्टिया के सुपने देखने वालों के इस वेले सुपने टुट रहे हैं। फ्लाइट की इंतजार करते हुए एयरपोर्ट पर कई घंटे लोग बैठ के इंतजार भी कर रहे हैं, तो उस तो बाद फ्लाइटा रद्द हो रही ने। नैशनल वैदर सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के इलाके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवावां चल रही ने। कई थावां ते तां तापमान -40 डिग्री सैलसीयस तक डिग गया है। जी हाँ, -40 डिग्री सैलसीयस। अमेरिका का सारा असर कैनेडा ते हुंदा है। इन्हां दे बॉर्डर लगते हैं, अमेरिका की हर एक हरकत का असर कैनेडा ते हुंदा है। ते इस वेले अमेरिका ते कैनेडा दे विच इक्को तरह के हालात बने हुए ने। इत्थों तक कि जिहड़ा बॉर्डर टप के लोग अमेरिका तो कैनेडा दे विच आउंदे ने या फिर अमेरिका दे विच दाखल हुंदे ने, मैक्सीको बॉर्डर की गल कर रहे हां असीं, उत्थों तक सर्द हालात महसूस किए जा सकते हैं। जेकर कैनेडा की गल करिए, तूफान के कारण, इस बर्फीले तूफान के कारण लोग सड़कों पर भी बैठे ने, उन्हां दी आवाजाई ठप हो चुकी है। एनवायरमेंट कैनेडा ने कहा कि भावें यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी बर्फबारी होगी और कितनी बर्फ जमीन पर जमेगी, पर यह गल स्पष्ट है कि तूफान कितने वध तीव्र होगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात तो बाद का तापमान इस सर्दियों के टोरोंटो हुण तक का सब तो ठंडा तापमान हो सकता है। दूजे पासे टोरोंटो सिटी का कहना है कि जनतक सुरक्षा या फिर जायदाद नूं खतरे दे नुक्ते तो सड़कां नूं साफ करना प्रमुख तरीज होवेगी। सिटी तेज़ हवावां कारण टाणियां या फिर दरख्त डिगण की स्थिति विच स्टाफ नूं फौरी तौर पर रवाना करेगा। मौसम विभाग वालों लोगों को एक एमरजेंसी योजना बनाने, यानी कि पीने वाला पानी, भोजन, दवाइया, फर्स्ट एड किट, एक एमरजेंसी किट तैयार करने की भी अपील की गई है। मनिया जा रहा है कि ओंटेरियो के इस बर्फीले तूफान ने 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए ने। 100 किलोमीटर प्रति घंटे तो भी तेज़ रफ्तार नाल हवावां चल रही ने। बर्फीले तूफान कारण सड़कों पर लोग फसे हुए ने। 6,05,000 घर की बत्ती गुल हो चुकी है इस वेले कैनेडा दे विच। वैदर का हाई अलर्ट जारी है। इस वेले कैनेडा दियां सड़कां बर्फ की चादर हेठां ढकिया हुई ने। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।